नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में आज मैं आपके साथ एक ऐसी चाय को शेयर करूंगी जिसे पीने के बहुत ढेर सारे फायदे हैं कैसी भी सर्दी हो सर दर्द हो बुखार हो खांसी हो कफ हो ये चाय बना के पीजिए आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी तो मैं इसे रोज बना के पीती हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ तो बहुत आसान है इस चाय को बनाना हर घर में दीपावली का काम चल रहा है तो ऐसे में थकान और कमजोरी का महसूस होना तो लाजमी है ऐसे में इस चाय को बना के पीते हैं जितनी हमें चाय बनानी है उतना पानी हमें यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख देना है अब दो इलायची हरी कूट के हम इसमें डाल देंगे दो लौंग को इसमें डाल देंगे एक इंच अदरक का टुकड़ा है उसे क्रस करके इसमें डाल देंगे एक इंच हल्दी का टुकड़ा है कच्ची हल्दी उसे भी क्रश करके इसमें डाल देंगे परिजात फूल के दो पत्ते इसमें हम डाल देंगे और इसके साथ हम दस पंद्रह तुलसी के पत्ते हैं वो इसमें डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और साथ ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर या फिर तीन चार काली मिर्च खड़ी उसे कूट के इसमें डाल सकते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए पाँच मिनट के लिए तेज आंच पे उबाल लेंगे हल्की ठंड में पीने वाली ये चाय बहुत फ़ायदेमंद है सर्दी आ रही है ऐसे में हमें इसकी आवश्यकता होती रहेगी कभी सर दर्द होगा कभी खांसी होगी कभी कफ होंगे ऐसे में इस चाय से तुरंत राहत मिल जाएगी इस चाय को बनाने के लिए चाय पत्ती का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे बिना चाय पत्ती के ये चाय बनाएंगे इसे हम चाय भी कह सकते हैं इसे हम काढ़ा भी कह सकते हैं बहुत सारी चीजों को हमने इसमें डाला है और इसे उबाल के बनाया है तो इसे हम काढ़ा भी कह सकते हैं और चाय भी कह सकते हैं जो बहुत फायदा मिलता है ये चाय पीने से तो, तो बस यहाँ पे पानी का कलर डार्क हो चुका है यहाँ पे गैस को हम करेंगे बंद और जिसमें हमें चाय को लेना है दोनों कप लेते हैं कप में आधा नींबू लेंगे हम उसे हम दोनों में आधा आधा करके नीचो देंगे इसका रस हम निकाल लेते हैं इस चाय में नींबू अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं पर मैं नींबू के साथ ही इस चाय को पीती हूँ जो फीकी चाय पीते हैं उनको तो ये चाय बहुत पसंद आने वाली है पर जिसे ये फीकी चाय नहीं अच्छी लगती है वो इसमें हनी ले सकते हैं हनी से ये चाय अच्छी लगने लगेगी पर मैं तो बिना हनी के ये चाय पीती हूँ तो जैसे ही हमने नींबू को निचो लिया उसके बाद हम ये चाय इसमें छान लेते हैं और बाकी इसमें छान लेने के बाद जो ये पत्ते और मसाला बचता है मैं इसे भी पीस के सब्ज़ी में डाल देती हूँ जैसे हर्बल टी फायदेमंद होती है वैसे ही इसके मसाले भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं उबालने के बाद भी ये काम आ जाते हैं तो इनको पीस के सब्जी में मिलाया जा सकता है तो मैं इन्हें सब्जी में मिला लूँगी ये चाय मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पीते हैं तो मैंने अपने दोनों के लिए ये चाय बनाई है आप सबके साथ शेयर की है तो बताइएगा कैसी बनी है ये चाय अगर हर श्रृंगार के पत्ते ना हो तो उसे स्किप कर सकते हैं इसमें तुलसी के पत्ते और बाकी चीज़ें डाल के ये चाय बन सकती है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बताइएगा आप सबको मेरी ये चाय की रेसिपी कैसी लगी तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से नमस्कार